नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यस फार्मिंग सोच किसान की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरे भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी वैरायटी दिखाएंगे जिसका आप देखकर यकीन नहीं करेंगे। और भाई, मैंने भी जैसा शुरू में देखा कि यकीन नहीं हो पाया, इतनी अच्छी वैरायटी खड़ी है और आपकी जानी पहचानी है, पिछले 1 साल से देख रहे हैं आप जैसा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे भाइयों, और किसान हैं उनका भी परिचय कराऊंगे आपसे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसान भाई का परिचय लेंगे और मैं थोड़ा अंदर चलता हूँ। उधर ही जो प्लाट लगा रखा, देखो ये यहाँ पर इन्होंने अपने ही गांव के बीच में लगा रखा, मकान के पास में ही, और उसकी पूरी जानकारी लेंगे भाइयों। तो सबसे पहले मैं भैया जी के पास चलता हूँ। युवा हैं और बहुत ही शौक का कर रखा है इन्होंने सारा काम, प्रॉपर सारी जानकारी भी इन्होंने, पेड़ भी लगा रखे है। देखो ये किस चीज़ के पेड़ लगा रखे, तो वीडियो में बात तक बने रहें आप, तो पूरी जानकारी प्रॉपर आपको मिलेगी वीडियो के अंदर। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया जी। और आप ठीक जी? बस बढ़िया भाई जी। अपना एक थोड़ा सा परिचय कराओ किसान भाइयों के लिए। मेरा भी नाम है जी विशाल राणा, सुनोप राजकुमार, गांव नसीरपुर, जिला मुजफ्फरनगर जी। बहुत बढ़िया जी। तो आप पहले गन्ने की बात करें तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी आप? यह वैरायटी है जी 14201, या मुजफ्फरनगर से अनुसंधान केंद्र में तलाई थी जी। चलो वो तो ठीक है भाई जी। आप ये बताओ 14201 गन्ने की वैरायटी मैंने भी बो रखी, और सभी सभी किसान बोलने बो रखी ज्यादातर, कभी कभी ये माने चलो 30% किसानों ने तो बोली। हाँ जी। कुछ अभी अभी जानकारी भाव में नहीं बो पा रहे। तो इतनी जो लंबाई है भाई, इतनी लंबाई मैंने अब तक नहीं देखी 14201। एक तो जी लंबाई सबसे मेन है, और सोजम बोया जा असोज में बोया जा। हाँ जी। तो ये आपका असोज जी बोया हुआ? यो असोज का है जी, दिसंबर का मिला हुआ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिला था बस। ठीक है, चलो थोड़ा सा अंदर अंदर चला थोड़ा सा। तो आपने ये असोज जी लगा रखा? हाँ जी। अच्छा, तो गन्ना अनुसंधान मुजफ्फरनगर से लाए थे आप? हाँ जी, माता जी के नाम पे ला रखा, रेखा देवी के नाम से। अच्छा जी, अच्छा, बड़ा ही। इस वजह से बता रहा जी, मैं कोई भी यकीन नहीं करता, अब बीजिए है नहीं 14201। अच्छा, वो तो आप इस वजह से बता रहे हैं कि क्योंकि वो वहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ और उनके नाम पर 14201 बीज यहाँ से गया हुआ। हाँ जी, इस वजह से कह दे कोई भी है नहीं, तो रिकॉर्ड भी चेक कर सके, सब कुछ चेक कर सके जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं है 1% भी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। आपने करीब करीब कौन सी तारीख में लगाया होगा ये? जैसा फर्स्ट वीक में लगाया जी, दिसंबर के। दिसंबर के? हाँ जी। दिसंबर में तो बहुत सर्दी आ जा, सर्दी इस वजह से लगाया था जी, वहाँ पहले तो मिल नहीं रहा था, भीड़ चल रही थी। हाँ जी, एकदम से जैसे वो मिला इस वजह से लगाना पड़ा, दिसंबर में लगाना नहीं चाहिए। मैंने अभी 35 की बुआई करी है सोचा कि अब के साल। अच्छा, मैंने आज करी। अच्छा, आज तारीख होगी मेरे ख्याल से 11 होगी। होगी हाँ जी। तो आज 11 तारीख में आपने 13235 की करी? हाँ जी। ये दिसंबर के पहले हफ्ते में था जी? हाँ जी। एक तो इसमें सबसे मेन बात है जी, एक हैवी खेत होना चाहिए, मजबूत खेत, ताकतवर मिट्टी होनी चाहिए। वो क्यों? वो और बताओ किसान। ताकतवर में ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। अच्छा जी। हाँ जी। किसान भाई देखो, आप गन्ने की ताकतवर खेत हो जी, उसमें लगाना असोज का। अच्छा जी। रुकता नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। उसमें मैंने पहले तेज भी लगाया था जी। अच्छा जी। तेज गिर गया था, वो नीचे बसकसी गया था, उसमें बांस भी लगाए थे मैंने। जैसा आपने 23 लगाया, 23 का भी आपने तजुर्बा ले लिया, 23 में मतलब आप न फिर आगे बढ़ाया नहीं जी। क्या कमी पकड़ी वो उसमें? एक तो लचक ज्यादा थी जी, वो रुक नहीं पावा था, गिरने की समस्या 100% जी। वजन कौन से में ज्यादा हो, 23 में या इसमें? अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया जी। ये क्लियर नहीं हो पाया? नहीं। 23 इसी इसमें लगाया था कहीं और लगाया? इसी में लगाया था जी 23। तो जैसा आपने 23 लगाया था इसी उसमें? हाँ जी। तो वो इतनी हाइट ले रहा था या इससे भी वो कम ले रहा था? इससे कुछ बांस से थम रहा था जी, इससे कम नहीं थी। अच्छा। हाँ जी। चलो तो थोड़ा सा आगे घुमाओ। देखो भाइयों, 14201 का बहुत ही शानदार प्लाट खड़ा, और बिल्कुल गांव के बिल्कुल बीच में, गोरे महीन के यहाँ गांव के बीच में है जी। बिल्कुल गांव के बीच में, और देखो किसी भी गन्ने में कोई कीट नहीं है, बिल्कुल भी कोई फंगस नहीं है, कोई टॉप बोरर नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है जी इसमें, कोई स्प्रे भी नहीं है? नहीं जी, एक भी स्प्रे नहीं है। कोरोजन की लगाई थी एक बार स्टार्टिंग में। अच्छा, जैसा आपने कोरोजन का लगा दिया स्प्रे, कीट का कोई नहीं लगाया? नहीं लगाया। फंगस का कोई नहीं लगाया? नहीं लगाया। अच्छा, जैसा एक बात तो बताओ, इसमें कुदरती कीट नहीं आया? गांव के अंदर लाइट वगैरह चलती रही है नहीं? मेरे खेत में भी खड़े, में 2 खुड़ बो रखे, यहाँ तक बीज बच गया था। अच्छा। खेत में भी लगा हुआ है। अच्छा। कोई रोग नहीं है जी उसमें भी? नहीं है। नहीं।
वो अच्छा जहाँ वहाँ खेत पर बोया वो मार्च का था, वो भी असोज का ही? असोज का ही था जी। वो भी इतनी हाइट ले रहा? हाँ जी। इससे थोड़ा कम होगी क्योंकि 19-20 हो सकता, 19-20 क्योंकि ताकतवर जमीन, जमीन का ज्यादा इसमें अंतर। आपने जो तजुर्बा लिया? हाँ जी। देखो भाइयों करीब करीब सभी गन्ने देखो कितने मोटे हो रहे हैं, लोग जिन्होंने कहा है ना 14-2 से चलने वाली वैरायटी नहीं है, और ये तो बोनी वैरायटी, देखो बोनी वैरायटी ने भाइयों, सोची देखो आप 14-201 ये करीब करीब भाई ये आप देखो कूड़ का हाथ लगा के देखो एक बार कितनी हाइट होगी करीब करीब। मेरी 5-10 है जी। 5-10 और आप सो तो ढेर ऊंचा खड़ा है, तो ये मान के चलो इसमें फिलहाल होगा 10 फीट का गन्ना। हाँ जी। देखो किसान भाइयों आप नीचे से देखो इसमें फिलहाल जो 10 फीट का गन्ना तैयार है, और गन्ने की पत्ती देखो कितनी हरी, बिल्कुल कोई रोग नहीं है, ये देखो भाई ऊपर तक भाई बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा। तो इसमें आपने फर्टिलाइजर क्या क्या डाल लिया? ये DAP। DAP कितनी डाल ली, कितनी जगह आपकी? या मेरा 520 गज का प्लाट है, इसमें थोड़ा सा मोगनी के पेड़ भी लगाई हुई है मैंने दो साइड में। अच्छा ये जो बाहर लग रहे? हाँ जी भाई। हम मोगनी के पेड़ के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे उस वीडियो में, बने रहें बाद तक। तो ये आपका 520 गज का प्लाट है? हाँ जी। इसमें आपने कितनी DAP डाल ली? DAP जी करीबन 7 किलो। 7 किलो? हाँ जी। अच्छा जी यूरिया कितना डाला आपने? यूरिया तो लगाया नहीं, यूरिया तो 1 किलो लगा हो या 2 किलो लगा हो बस बस। हाँ क्योंकि हमें पहले ही पता था वहाँ गिरागा जमीन मुझे, या गांव की जो जमीन है पक्की जमीन है? पक्की जी, पावरफुल जमीन है। देखो भाई पूरी पावरफुल देखो, और काफी दिनों से फिर भी पड़ी होगी ये जमीन आपकी? नहीं जी करीबन हर साल गन्ना लगाओ इसमें? सन 2012 से नहीं, गन्ना नहीं पहले इसमें आलू लगाए, गन्ने को तीसरा साल है जी। घर की मतलब सब्जियां वगैरह करते रहो? करते रहते, 3 साल गन्ना करते हो लिए? 3 साल से आप गन्ना कर रहे? हाँ जी। बोर्ड कट्टा 23 का, मुंडी कट्टी 23 की। देखो भाई ये बहुत ही शानदार प्लाट है, 520 गज का, घर के पास ही बिल्कुल, और 3 साल से तो बिल्कुल आप गन्ना ही कर रहे जमीन में बता रहे? हाँ जी भाई बहुत ही गजब ये तो। अच्छा ये आपने देखा हो 14-201 फगन का भी लगा के देखा हो? फगन का लगाया था मैंने शुरू में, वो गोरे खा गए थे उसे मार्च की बुराई के लिए। हाँ ये जो बाहर जो खड़ा तो थोड़ा इसमें कमी है, जो गोरे खा जा उसमें ज्यादा समस्या आ जा, एकदम से चल नहीं पाता जो गोरे ना खावे। अच्छा एक बात और बताओ, जैसा आप बुआई कर रहे ये आपने ट्रेंचर से बोया था या सादे से बोया था? लेजर है जी, सादा बीच वाला काट रखा। अच्छा हाँ। वही उसी का इस्तेमाल कर लें, 4 पकड़ना हो 42 पकड़ना हो तो ट्रेंचर में, उसमें क्या अपना क्या अंतर पकड़ा ये और बताओ? इसमें अंतर है जी, एक तो फुटाओ काम कम है इसमें, ट्रेंच विधि में और सादी में ज्यादा काम है। चलो वो तो ठीक है, नहीं मैं पूछना, हाँ जो डबल लाइन वाला कह रहे ना? नहीं वो नहीं, मैं कह रहा जैसा कि ट्रेंचर से बुआई करेंगे। हाँ जी। तो ट्रेंच का बोने का वो आता है यंत्र? हाँ जी हाँ। और एक आपका सादा हो गया? हाँ जी। वही 2.5-3 इंच में सादा विधि का? यो वो ट्रेंचर वाला 11 इंच या पत्ता ज्यादा। अच्छा जी। हाँ जी ये सादी विधि वाला ज्यादा चला जाए, ज्यादा चले जाओ, और ट्रैक्टर छोटा भी हो जैसे हाँ चाहे किसी के पास सादा ऐसा भी है, चाहे वो भी खूड निकाल देगा किसान के नाम का, सबसे बढ़िया घर का एक तो कुछ नहीं लेना। हाँ उसी का ले जाओ, हमारे जो पुराने यंत्रों में ही काम कर देंगे तो खर्चा कुछ नहीं। एक दो किसानों के पास जैसा मैं गया उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा जी अगर ट्रेंचर से खूड निकालना हो तो गन्ना अच्छा यहाँ तक फुटाव नहीं कर पाता, और वो जो अगर सादे वाले से हम निकालना हो खूड तो गन्ना उसकी प्रोग्रेस ज्यादा लगी है। हम तो इस वजह से करा था जी, एक तो खर्चा ना हो। हाँ हाँ और काम हो जाए, काम हो जाए और काम बढ़िया हो रहा। अच्छा काम हो रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। देखो मेरे भाइयों 14-201 का बहुत ही शानदार पौधा असद जी का लगाया हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में लगाया था, और देखो कितनी अच्छी शानदार हाइट ले रहा भाई, मैंने अभी तक नहीं देखा जिला मुझे बनागा सबसे शानदार 14-201 कहूँगा मैं तो इसे अपने चैनल पर आज तक जो मैंने जितनी वीडियो बनाई भाइयों इतना ठाड़ा नहीं देखा, इतना ज़बरदस्त। तो भैया जी मोटा ही है जी? हाँ मोटा ही बड़ी शानदार। देखो भाइयों घर के प्लाट में और करीबन 20-25 दिन के अंदर ज्यादा मोटाई हुई, पहले इतना मोटा गन्ना नहीं था इसमें। अच्छा यह क्या बात, कुछ कुदरती बात नहीं? आज बड़ा जैसे मुझे आज ही खुद मोटा लगा, पहले इतना मोटा नहीं था। अच्छा चलो आप ही घर की थोड़ा घुमाओ। देखो भाई ये पूरा प्लाट ही 520 गज का इनका, इतना ही शानदार खड़ा। देखो अच्छा मिट्टी आपने कैसे चढ़वाई फिर इसको? जनरा हो डोल काटने वाला? हाँ उसका चढ़ाई थी। अच्छा जी। हाँ जी। कितना बड़ा था जब ये जब मिट्टी चढ़ाई थी आपने, मतलब ट्रैक्टर के बीच में उंगली कट रहा था?
ट्रैक्टर तो नहीं, हमारे पे तो है छोटा जी। अच्छा ट्रैक्टर जंद्रा बता रहे हैं ना, वो जंद्रा वाला था जी, डोड़ का हंडा हाथ वाला वो। अच्छा हाथ वाला 4 फुट है, 42 के ना का झोटे काड़ बना रखा। अच्छा अच्छा और उसके ना का हाथ वाले जंद्रे हैं। हाथ वाले जंद्रे से कैसे मिट्टी चढ़ाओ भाई, क्या जुगाड़ है ये तो, पहली बार सुन रहे हाथ वाला जंद्रा तो। उससे ही चढ़ाओ जी। अच्छा हाँ जी, वो हाथ वाला कैसे चढ़ा जी, 4 फुट पे वो है 48 इंची पे। हाँ उस पे तो हाथ वाले थे और 42 इंची वाले पहाड़ थे। मतलब कि और जो हाथ वाले था आदमी पर खंचो सर रस्सी से एक पलड़ी डब रहा है एक पलड़ी डब। अच्छी अच्छी बहुत सी जगह है जैसा खोई इकट्ठी कर रहे थे, वो हाथ वाला जतरा होता है एक पहले से ही होता वो। हाँ हाँ डोल डालने के लिए रस्सी बंधी रहती। हाँ और एक आदमी पीछे था किला था, आगे से खंचा करता। हाँ जी उससे आप मिट्टी चढ़ा दो गन्ने पर, उसी से चढ़ रही जी। और भी जैसा आपका गन्ना उसको भी ऐसे ही चढ़ा दो, उसी से चढ़ रही जी। जो सोज के गन्ने हैं उससे चढ़ रही, और जो फरवरी के गन्ने हैं हाँ उन पे झोटे से चढ़ा रखी, हड़ बनवा रखा दोनों हत्ते वाला, एक तो एक हत्ते वाला वो एक डबल हत्ते वाला है। अच्छा डबल हत्ते वाला। हाँ अच्छा जी। हाँ जी तो उसमें हड़ में बड़ा पंखा लगा रखा होगा, पंखा लग रहा है सेट हो रहा है उसी में कावड़े खींच रहे। किसान भाइयों वो भी हम आपको दिखाओगे, इनके यंत्र भी दिखाओगे, यंत्र इनके बड़े गजब बना रखे हैं ना। गन्ने की बात करो तो गन्ना आपने देखा मंदिर सस्ते, सही कह रहे हैं, यानी कि मंदिर सस्ते पैसे वाला यंत्र नहीं है। हाँ यानी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता, पैसे खर्च कर देना कहाँ हो जाएगा फिर। सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही कह रहे। देखो भाइयों कितनी अच्छी जानकारी है, पैसे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे युवा। हाँ देखो कितने अच्छा तजुर्बा है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। देखो भाइयों और इन पेड़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं, देखो आ जाओ ये इन्होंने पेड़ भी लगा रखे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखो इन्होंने बहुत अपना शौक से रखा सारा काम। तो ये जो पेड़ है ये किस, ये कौन सी वैरायटी, कौन सी नस्ल है जी, क्या? यह है जी मोगनी, मोगनी अफ्रीकन मोगनी, अफ्रीकन मोगनी। हाँ जी तो इसकी क्या खासियत हो अफ्रीकन मोगनी? इसकी खासियत यह है जी, एक तो महंगा जहाज जी। अच्छा दूसरा महंगा नुजा जो सिफो। अच्छा जो पानी के जहाज उनमें लकड़ी में काम आवे। अच्छा, मजबूत लकड़ी हो इसकी। अच्छा मजबूत लकड़ी हो इसकी। हाँ जी और हाइट बीच भी काफी हो जाती है इस पेड़ की? हाइट इतनी हो जा जी गाँव में बढ़तो ही, अगर जो अपनी उस पर आ जा दोनों कहेंगे वहां जाना टावर की डाल दिखागा पता लग जाएगा। हाँ अच्छा कितने साल में हो जाए पेड़ तैयार? तैयार तो हो जाए जी पर इसमें कमी है, देख दिखाओ कमी देखो, भी देखो। जैसे ये कहीं शाखा मोड़ गई। हाँ ये कहीं शाखा मोड़ रही, इस वजह से फैल हो रहा है। ये तो प्रैक्टिकल करा था, मतलब सीधा नहीं चलता ना, सीधा नहीं चलता। देखो देखो भाई, ये भाई 2-3 मोड़ गई ऊपरली तरफ देखो। हाँ ये सीधा नहीं चल रहा इसमें, और सीधा चले तो सक्सेसफुल भी तो होगा। हाँ ये मान के चलो कि तना छेदक टाइप हो जाएगा। देखो भाई अगर आप ये लगाना चाहता हो ये बिल लगा लेगा सकते हैं, अगर कोई भाई शौकीन है। पर भाई ने बताया कि इसमें तना छेदक का रोग है, इसमें ये फेल है इनके हिसाब से तो बिल्कुल ही है। देखो भाई ट्रायल पे लगाया था, मैं खेत में बाद में लगाऊंगा, पहले हम यहाँ ट्रायल कर ले लें। बिल्कुल ट्रायल में पास नहीं हुआ हमारे पे। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, एक वीडियो आपको इनके कृषि यंत्रों की भी मिलेगी आपको, तो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।